और इस बीच रायपुर से अहम खबर, जहां शराब घोटाले का मामला और ईडी ने दर्ज की है ईसीआईआर। आईटी की कार्रवाई के आधार पर दर्ज की गई है ईसीआईआर। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिस तरह से लगातार पूछताछ की जा रही है, आईटी की कार्रवाई के आधार पर ईसीआईआर दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे मनोज नायक, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। जी, निश्चित रूप से ईडी जो है शराब घोटाले मामले की लगातार जांच कर रही थी और नए नए जो है खुलासे भी कर रही थी। और इस मामले को लेकर जो है जो आरोपी बनाए गए थे पूर्व रिटायर्ड आईएएस अनिल सुतेजा और उनके पुत्र, वे दोनों ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस मामले को खारिज कर दिया था कि इसमें कहीं पर भी मनी ट्रेल नहीं हुआ है, पीएमएलए का मामला बनता नहीं, इस आधार पर जो है इसे ईडी के ईसीआईआर को खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद कहीं ना कहीं जो है ईडी बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन ईडी के वकील का साफ कहना था कि वे नई ईसीआईआर दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है 17 जनवरी को एक और एफआईआर हुई है जो कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दर्ज किया। इस मामले में अनिल सुतेजा पूर्व आईएएस अनिल सुतेजा, उनके पुत्र यश सुतेजा के अलावा अनवर ढेबर सहित पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी इस मामले में आरोपी है। इस आधार पर जो है इस मामले के नए सिरे से जांच कर सकते हैं और इसी आधार पर जो है एक बार फिर से जो है नई ईसीआईआर जो है ईडी ने दर्ज किया, ताकि इस मामले की जांच आगे बढ़ सके। कहीं ना कहीं जो है ईडी इस मामले में जो है तमाम आरोपियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं देना चाहती, और उनका साफ कहना है, ईडी का यह भी कहना है कि जो पीएमएलए में जो शेड्यूल क्राइम बने हुए हैं उसमें जो है ये सारे क्राइम दिख रहे हैं। इस आधार पर जो है नई ईसीआईआर जो है दर्ज किया गया और आने वाले दिनों में जो है इस आधार पर अब ईडी जो है फिर से एक नए सिरे से जांच करेगी और आने वाले दिनों में तमाम जो आरोपी शराब घोटाले में थे वे फिर एक बार ईडी दफ्तर में देखे जा सकेंगे। लेकिन मनोज, अब जब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि ना ही अपराध ना अवैध आय, मामला ही नहीं बन रहा, तो फिर आगे क्या कुछ होगा? जी देखिए, ईडी जो अपराध पंजीबद्ध करती है या ईसीआईआर दर्ज करती है, वह जो है विभिन्न केसों के आधार पर करती है। पहले जो ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया था वह आयकर विभाग की जांच के आधार पर दर्ज किया गया था और इस आधार पर जो है उनकी जांच आगे बढ़ रही थी। और इसी के बाद जो है नई सरकार छत्तीसगढ़ में आ गई और छत्तीसगढ़ में जब नई सरकार आई तो ईओडब्ल्यू और एसीबी ने एक नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के अलावा आईपीसी की सेक्शन भी शामिल है। इन सभी में जो उल्लेखित किया गया कि किस आधार पर है करप्शन किया गया है, किस तरीके से जो है डिस्टिलरी संचालकों से रकम ली गई है, ये तमाम तरीके के जो आरोप लगाए गए उन सभी को बेस बनाते हुए ईडी ने नया ईसीआईआर दर्ज किया। मनोज, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका INS 24/7 पर। और इस पूरे मामले को अगर समझे तो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें आईटी की कार्रवाई के आधार पर अब नई ईसीआर दर्ज की गई है। देखिए, अब ईडी के पास अपनी और नरेंद्र मोदी जी की साख बचाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। तो मैंने कल एक निजी चैनल में कहा भी है कि तो ईडी और भाजपा के जो राज्य की सरकार है बहुत सारे फर्जी एफआईआर दर्ज करेंगे, क्योंकि तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी सरकार के जो ईडी को लेकर जो जिस प्रकार दुरुपयोग उन सरकार द्वारा किया गया है उस पर विराम लगा दिया है। तो स्वाभाविक बात है, जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पर्दाफाश हो गया है। ऐसे में ईडी बहुत सारे भी फर्जी एफआईआर दर्ज करेंगे, क्योंकि अब देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने ईडी को खुद की भी साख बचानी है और नरेंद्र मोदी की भी इज्जत बचानी है, तो ये बहुत सारे फर्जी मामले भी और दर्ज करेंगे। धनंजय जी, जिस तरह से समझे, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी हाल ही में कहा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दुरुपयोग साबित हुआ इस पूरे मामले में, बेनकाब हुई सरकार। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ईडी इलेक्शन डिजाइनर की तरह काम करती है। चुनाव के पहले ईडी आती है, विपक्षी दल के नेताओं पर फर्जी आरोप लगाती है, कार्रवाई करती है, मनगढ़ंत आरोप लगाकर चरित्रहरण करती है कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं मंच के माध्यम से ईडी। लेकिन अब आपका रुख क्या रहेगा, पार्टी का रुख क्या रहेगा धनंजय जी इस पूरे मामले? हम तो लड़ रहे हैं, हम तो पहले दिन से लड़ रहे हैं, ईडी के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम पहले दिन से कह रहे हैं ये सिर्फ चरित्र हनन करने का प्रयास है, क्योंकि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी देश की जनता की भावनाओं को पूरा करने में नाकाम और नकारा साबित हो गए हैं। अभी तो बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ ना, अब देखना ना, हर थानों में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज शायद सरकार भी करवाएगी, क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी जी की साख बचानी है और ईडी को अपनी इज्जत बचानी है। तो धनंजय जी, अब इस पूरे मामले को अगर समझे तो क्या चाहती है ईडी, क्या अब करेगी और किस तरह से मामला आखिरकार यहाँ तक पहुंचा था, क्या साजिश रची जा रही थी? पूरी तरीके साजिश है ना, मैं समझता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो विद्वान न्यायाधीशों ने जो
ईडी के जो कार्यवाही को रोके हैं, ईडी कार्यवाही को निरस्त किए हैं, इसके बाद ईडी को अपने मूल काम करना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल की सरकारें जाती और आती रहती है, पर संस्था को अपने जो संवैधानिक जो मूल काम है उस पर ध्यान देना चाहिए, अपने संस्था की इज्जत बचाकर और विश्वसनीयता बचाकर रखनी चाहिए, फर्जी मामले में या राजनीतिक दल के हाथ का मोहरा नहीं बनना चाहिए। तो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, 3 अप्रैल को सुनवाई हुई, 8 अप्रैल को डबल बेंच ने सुनवाई की। अनुराग अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सह प्रभारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुराग जी INS 24/7 पर। और जिस तरह से अगर हम बात करें तो ये फैसला सुनाया गया है, कोर्ट ने कहा है कि ECIR और FIR को देखने से तो ये पता चल रहा है कि कोई विरोध ही नहीं हुआ, कोई अपराध ही नहीं हुआ, कोई अवैध गतिविधियां नहीं हुई, तो इस मामले को किस तरह से देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेसियों को ये भ्रम फैलाना बंद करना चाहिए कि हाई सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर किसी चीज को खारिज किया है, इससे इनका दोष कम नहीं हो जाता। छत्तीसगढ़ की जनता ने इसको माना है कि मां गंगा का सौगंध रखा के इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था और उसको अपनी निजी आय का जरिया बना लिया था। अब अगर छत्तीसगढ़ के आम गरीब के पैसे को लूटेंगे उसकी सजा तो इनको होगी। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता बहुत सही बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक थानों में कांग्रेसियों के खिलाफ FIR दर्ज होनी भी चाहिए। अनुराग जी, इस मामले को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कोर्ट तो ये कह रही है कि कोई आपराधिक धनराशि नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं बन रहा। मैं वही तो कह रहा हूं कि चीजों के तथ्य को गलत ढंग से पेश करने का कोशिश कर रही है कांग्रेस। हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर रद्द किया है और ईडी की, मुझे एक बात बताना, बड़ी बात कर रहे हैं, ईडी को अपना काम करना चाहिए। आज रानू साहू जेल में है 1.5 साल से, सौम्य चौरसिया 1.5 साल से जेल में है, समीर बिश्नोई जी जेल पे हैं, इनके आज तक जमानत क्यों नहीं पाई? इन्होंने इतने सारे भ्रष्टाचार किए हैं, उन भ्रष्टाचार पे ये कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? और इन भ्रष्टाचार का सबसे पहले तो इनके मंत्रियों ने ही उठाया था। जयसिंह अग्रवाल ने रानू साहू के खिलाफ बात की थी, तब ये क्यों नहीं बोले? एक बात कांग्रेस समझ लें, इनके पापों का खामियाजा और पापों की सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे हर थाने में FIR होगी, क्यों नहीं होगी? जब प्रधानमंत्री के अगर सिर फोड़ने की बात करोगे, अगर आप प्रधानमंत्री अनुराग जी, देखिए कोर्ट ये कह रही है, अनुराग जी कोर्ट ये कह रही है कि ईडी की शिकायत आयकर अधिनियम के आधार अपराध के आधार पर की गई, और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी कह रहे कि कहीं ना कहीं बेनकाब हुई सरकार। हेलो, आपकी आवाज फिर से आई, फिर से कहें? अनुराग जी, कोर्ट ये कह रहा है कि ईडी की शिकायत आयकर अधिनियम के अपराध पर आधारित थी, ना ही कोई अपराध बन रहा था। मैं वही तो एकदम स्पष्ट शब्द में कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले के एक तथ्य में फैसला दिया है, बाकी तथ्य तो आज भी खड़े हुए हैं, अब उन तथ्यों के आधार पर मुकदमे भी दर्ज होंगे। आप खुद देखें पिछले 5 सालों में कैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया था, कैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ में इतना लंबा कर्ज लेके, इतना बड़ा कर्ज लेके छत्तीसगढ़ को कर्ज के दलदल में डुबो के इंफ्रास्ट्रक्चर के एक भी काम नहीं किए। कोल घोटाले में, शराब घोटाले में, अन्य कल्याण योजना में, सब में इन्होंने घोटाला किया है। इनको तो सारे चीजों का जवाब देना पड़ेगा। सबसे बड़ी सजा तो जनता ने इन्हें दे दिया। अगर ये इतना अच्छा काम करते तो जनता इन्हें बाहर का रास्ता क्यों दिखाती? जनता ये भी आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस लगा रही है कि दुरुपयोग किया गया, निजी एजेंसियों का इस तरह से दुरुपयोग करती है और झूठ फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। अरे भाई, सबसे बड़ी संसद से तो इनको सजा मिल गई ना, जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत होता है क्या? जनता की अदालत ने प्रचंड बहुमत से सुनी कांग्रेस सरकार को 5 साल में नेस्तनाबूद कर दिया। ये अपने आप में पर्याप्त है कि कितनी दुखी थी इस सरकार से। ये षड्यंत्र की बात भी करेंगे, ये झूठ बोलने की बात करेंगे, जो ये खुद करते हैं वो तो सारा आरोप लगाएंगे ना, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी जनता की अदालत है। फिर एक बार उस अदालत में खड़े हैं, ये कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अरे 370 देश से हटा के देश का मुकुट देश के सिर पे वापस रखा, आज इसको हटाने की बात करते। 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाया मोदी जी ने, उसको ये फिर लागू करने की बात करते हैं। अरे अब तो इनका घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के समान हो गया है। ठीक है अनुराग जी, क्या बात करेंगे? आपने अपनी बात रखी, अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा मामला IT की कार्रवाई के आधार पर दर्ज की गई है ECIR। तो शराब घोटाले से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, भाजपा सिर्फ झूठ फैला रही है, इस तरह के आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है।